मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं। ताजा मामला सिंगरौली जिले के गन्नई गांव का है, जहां एक रेत माफिया ने किसान को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। सिंगरौली जिले में खुद की जमीन से अवैध रेत का परिवहन रोकने गए आदिवासी किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग निकला। मामला बरका चौकी क्षेत्र के गन्ने गांव का है। मृतक किसान की पहचान इंद्रपाल अगरिया के रूप में हुई है। रेत माफिया से जुड़े लोग गन्ने गांव से निकलने वाली पटी नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर इंद्रपाल के खेत से जबरदस्ती ट्रैक्टर निकाल रहे थे। खेत में लगी धान की फसल को खराब होता देख इंद्रपाल ने आपत्ति जताई तो आरोपियों ने उसे ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अपराधी घूम रहे हैं, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया है, ना ट्रैक्टर की जब्ती कराई गई है। सिर्फ आदिवासी युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि अपनी फसल बचाने के लिए वो ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो गया और बार बार मना करने के बाद भी अवैध परिवहन जब नहीं रोक रहे थे तो मजबूरी में वो आदिवासी युवक ट्रैक्टर के सामने खड़ा हुआ और उसको दबाकर मार दिया गया। अगर इस घटना में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। एक नाले वैसों का ट्रैक्टर है, उनके चालक के द्वारा यहाँ पर ये रेत ले जा रहे थे ट्रैक्टर से, जो मृतक है उसके परिजनों के खेत के पीछे के ही रास्ते से जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया तो उसमें विवाद हुआ और उसके बाद ट्रैक्टर का धक्का लगा जिसके कारण से उसको कुछ चोट आई और उसकी मौत हुई। पुलिस इसमें परिजनों की शिकायत पर से मृत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, साथ ही डॉक्टर को पीएम की टीम से पीएम कराने के लिए लिंक कर लिया गया है। जिस तरह के तथ्य आते वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।